देश के 12 करोड़ किसान के खाते में सीधे रकम ट्रांसफर कर मोदी सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। चुनाव से पहले बीजेपी ने इसका फायदा किसानों तक पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। योजना के शुभारंभ के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में रकम ट्रांसफर भी कर दी। माना जा रहा है कि इस योजना ने कांग्रेस के कर्ज माफी के दाव की हवा निकाल दी है, क्योंकि इसका लाभ सीधे किसानों को मिलेगा, जबकि कर्ज माफी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं। कर्ज माफी से ईमानदार किसानों को कोई फायदा नहीं होता और लाखों गैर जरूरी लोगों को रकम मिलती रही है। कमलनाथ ने वादे कर दे 2 लाख के 11 दिन में हम माफ करेंगे, आज तक एक भी माफ नहीं हुआ। फार्म जरूर भरवाए मैंने, कैसे भरवाए, खाते में नहीं आया ये कई रुपया। किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन इतना साफ है कि 2019 के रण में किसान गेम चेंजर की भूमिका निभाएंगे। किसान कर्ज माफी का इतिहास उठाकर देखें तो साफ है कि जिस भी पार्टी या सरकार ने ऐसा ऐलान किया उसे सत्ता का सुख मिला। साल 2009 में कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा करके ही सत्ता में वापसी की थी। 2016 में यूपी इलेक्शन में भी बीजेपी ने कर्ज माफी के दाव से ही सत्ता का सूखा खत्म किया और इसके साथ ही एसपी बीएसपी का सूपड़ा भी साफ कर दिया। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी की वजह कर्ज माफी का ही मुद्दा रहा। कांग्रेस का लक्ष्य है कि एक वर्ग विशेष के किसानों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, जबकि मोदी सरकार चाहती है कि सभी किसानों को लाभान्वित किया जाए। तो किसानों का बड़ा वर्ग, सभी किसान सीमांत किसान नहीं है, इसलिए भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का जो वर्ग है वो बड़ा है, वो ज्यादा फायदा मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। जब भी सियासी पार्टियों ने देश के अन्नदाता की तरफ हाथ फैलाए हैं और वोट की भीख मांगी है, उन्होंने निराश नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि लेन देन का ये सियासी खेल कब तक चलता रहेगा? किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान कब और कैसे निकलेगा? मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन 5 साल बाद भी ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। किसान आज भी सड़कों पर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। कभी प्याज सड़क पर फेंका जाता है तो कभी आलू गोदामों में सड़ जाता है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत काम किया गया है, सिंचाई, खाद और बीज से लेकर हर मुद्दे पर काम हुआ। लेकिन सवाल ये है कि फिर कर्ज माफी और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की जरूरत क्यों पड़ती है? मोदी सरकार ने सालाना 6,000 रुपए गरीब किसानों को देने का वादा क्या किया, कांग्रेस नेताओं के माथे पर सिकन आ गए, क्योंकि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर ही 2019 का चुनाव जीतना चाहती थी। ऐसे में अब दोनों ही खेमे खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस चुनावी जंग में किसान किसके पक्ष में हल उठाएंगे। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।